सब्जेक्ट साइंस क्लास फोर्थ चैप्टर 12 द सन एंड इट्स फैमिली। द सन सूर्य एंड इट्स फैमिली मीन्स उनका परिवार। द सन इज अ ह्यूज बॉल ऑफ अ बर्निंग गैस कॉल्ड हाइड्रोजन। द सन सूर्य एक बर्निंग गैस मीन्स जलती हुई गैस की एक हूज बॉल मीन्स विशाल बॉल है जिसे क्या कहा जाता है हाइड्रोजन कहा जाता है। देर इज सम हाइड्रोजन इन आर एटमोस्फियर टू हमारे एटमोस्फियर में भी कुछ हाइड्रोजन है। इट बिलोंग्स टू अ बिग फैमिली ऑफ स्टार्स कॉल्ड द मिल्की वे गैलेक्सी यह स्टार्स के एक बिग फैमिली मीन्स बड़े परिवार से क्या है बिलोंग्स है जिसे क्या कहा जाता है मिल्की वे गैलेक्सी कहा जाता है। अ गैलेक्सी इज अ ग्रुप ऑफ स्टार्स गैलेक्सी जो है वो स्टार्स का एक क्या है ग्रुप है। देर आर मैनी गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स यूनिवर्स मीन्स ब्रह्मांड ब्रह्मांड में मैनी गैलेक्सीज मीन्स कई गैलेक्सीज है। सिंस द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन द अर्थ टू इज अ पार्ट ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी यू नो दैट आप लोग जानते ही है कि अर्थ जो है वो सूर्य के चारों ओर रिवॉल्व्स मीन्स घूमती है इसलिए अर्थ भी मिल्की वे गैलेक्सी का एक क्या है पार्ट है। वी कैन सी अ पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी इन द स्काई हम आकाश में इस गैलेक्सी का हिस्सा मीन्स उसके पार्ट को देख सकते हैं। इट लुक्स लाइक अ व्हाइट बैंड यह एक व्हाइट बैंड मीन्स सफेद बैंड की तरह दिखता है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द मिल्की वे इसलिए इसे मिल्की वे कहा जाता है। जब आप रात के समय आकाश की ओर देखते हैं तब आपको सफ़ेद रंग का चमकदार रोशनी नज़र आती है जो क्या है वो मिल्की वे है। बहुत सारे तारों की मौजूदगी होने के कारण यह इतना चमकीला एवं सफ़ेद दिखाई देता है। द प्लैनेट्स देर आर 8 प्लैनेट्स फर्स्ट मर्क्यूरी सेकंड वीनस थर्ड अर्थ फोर्थ मार्स फिफ्थ जुपिटर सिक्स्थ सैटर्न सेवंथ यूरेनस एट नेपच्यून। द अर्थ एंड 7 अदर प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन अर्थ पृथ्वी एंड 7 अदर प्लैनेट्स मीन्स 7 अन्य ग्रहों जो है वो सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं घूमते हैं। दीज एंड देयर सैटेलाइट्स एंड सम अदर बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड द सन मेक अप द सोलर सिस्टम 8 प्लैनेट्स एंड उनकी सैटेलाइट्स मींस उनके उपग्रह और कुछ अन्य अदर बॉडीज जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं और वो सोलर सिस्टम का क्या करते हैं निर्माण करते हैं। द फर्स्ट 4 प्लैनेट्स इंक्लूडिंग द अर्थ हैव अ हार्ड रॉकी सरफेस फर्स्ट 4 प्लैनेट्स लाइक मर्क्यूरी वीनस अर्थ एंड मार्स ये 4 प्लैनेट्स जो है फर्स्ट उसकी सरफेस मींस उनका ऊपरी भाग जो होता है उनकी सतह जो है वो कैसी है हार्ड एंड रॉकी है। मर्क्यूरी द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इज आल्सो द क्लोजेस्ट टू द सन मर्क्यूरी जो प्लैनेट है वो स्मॉलेस्ट प्लैनेट मींस सबसे छोटा प्लैनेट है। क्लोजेस्ट टू द सन मींस सूर्य से वो सबसे क्लोजेस्ट मींस निकट है। अदर प्लैनेट्स मींस दूसरे प्लैनेट से मर्क्यूरी प्लैनेट जो है वो सूर्य से सबसे निकट है। वीनस इज द सेकंड प्लैनेट फ्रॉम द सन
वीनस जो है वो सूर्य से सेकंड प्लैनेट है. फर्स्ट प्लैनेट कौन सा है? मर्क्यूरी. सेकंड प्लैनेट वीनस. इट हैज अ थिक ब्लैंकेट ऑफ गैसेस दैट मेक इट शाइन. वीनस प्लैनेट जो है उसमें गैसेस मींस गैसे की थिक ब्लैंकेट है जो उसको क्या देती है? शाइन, चमक देती है. अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट. अर्थ जो है, पृथ्वी जो है वो थर्ड प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ, जीवन जो है वो क्या है? सक्रिय है. इट इज द ओनली प्लैनेट दैट हैज वाटर. अर्थ ही ओनली ऐसा प्लैनेट है कि जिसमें क्या है? वाटर है. द नेक्स्ट प्लैनेट इज मार्स. नेक्स्ट मींस फोर्थ प्लैनेट जो है वो कौन सा है? मार्स है. इट्स सरफेस इज रेडिश ब्राउन सो इट इज कॉल्ड द रेड प्लैनेट. आप लोग फर्स्ट पिक्चर में देख सकते हैं कि मार्स जो है उनका सरफेस जो है, उसका ऊपरी भाग जो है, उसकी सतह जो है वो कैसी है? रेडिश ब्राउन मींस लाल भूरे रंग की है, इसलिए मार्स को रेड प्लैनेट कहा जाता है. द लास्ट फोर प्लैनेट्स आर सिमिलर इन सम वेज. लास्ट फोर प्लैनेट्स मींस जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. ये फोर प्लैनेट्स जो है वो कुछ मायने में क्या है? सिमिलर है, समान है. दे आर ऑल यूज आर मेड ऑफ गैसेस एंड हैव रिंग्स ऑफ रॉक्स एंड आइस अराउंड देम. लास्ट फोर प्लैनेट्स जो है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ये फोर प्लैनेट्स जो है वो क्या है? हूज मींस बड़े है, विशाल है. ये फोर प्लैनेट्स जो है वो गैसों से बने हैं और उनके चारों ओर क्या है? रिंग, रॉक्स एंड क्या है? आइस, बर्फ है. सैटर्न प्लैनेट को देखिए, उसमें सबसे ज़्यादा, सैटर्न हैज़ द मोस्ट नंबर ऑफ रिंग्स. सैटर्न प्लैनेट जो है उसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है? रिंग्स होती है. दीज प्लैनेट्स आर ऑल्सो वेरी कॉल्ड सिंस दे आर फार अवे फ्रॉम द सन. लास्ट फोर प्लैनेट्स जो है वो बहुत कॉल्ड, बहुत ठंडे है क्योंकि वे सूरज से बहुत दूर है. जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट. पिक्चर में देखिए कि जुपिटर प्लैनेट जो है वो सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट मींस सबसे बड़ा प्लैनेट है. अंटिल रिसेंटली प्लूटो वॉज कंसिडर्ड द नाइन्थ प्लैनेट. हाल तक प्लूटो को नाइन्थ प्लैनेट माना जाता था. साइंटिस्ट नो लॉन्गर कॉल इट अ प्लैनेट. साइंटिस्ट वैज्ञानिकों अब इसे प्लैनेट नहीं कहते हैं. पहले प्लूटो को नाइन्थ प्लैनेट में माना जाता था लेकिन अब साइंटिस्ट जो है इसे प्लैनेट नहीं कहते हैं. मर्क्यूरी, वीनस, मार्स, जुपिटर एंड सैटर्न लुक लाइक स्टार्स इन द स्काई. मर्क्यूरी, वीनस, मार्स, जुपिटर एंड सैटर्न वो आकाश में स्टार की तरह दिखते हैं. बट दे डू नॉट ट्विंकल. लेकिन वे स्टार की तरह ट्विंकल नहीं है मींस स्टार कैसे जगमगाहट देते हैं. लेकिन मर्क्यूरी, वीनस, मार्स, जुपिटर एंड सैटर्न वो स्टार की तरह दिखाई देते हैं लेकिन उनकी तरह वो जगमगाहट नहीं करते. वीनस लुक्स द ब्राइटेस्ट. वीनस सबसे चमकीला दिखता है. टू सी यूरेनस एंड नेपच्यून यू विल नीड अ टेलीस्कोप. यूरेनस एंड नेपच्यून को देखने के लिए आपको एक टेलीस्कोप की आवश्यकता होती है. पिक्चर में देखिए कि टेलीस्कोप जो है वो किस तरह का होता है. अ टेलीस्कोप हैज लेंसेज दैट हेल्प अस सी फार अवे थिंग्स. टेलीस्कोप में क्या होते हैं? लेंसेज होते हैं जो हमें दूर की चीज़ों को देखने में मदद करते हैं. ईच प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन इट्स ऑन पाथ और ऑर्बिट. ईच प्लैनेट मीन्स
प्रत्येक प्लैनेट जो है वो अपनी ऑर्बिट मींस अपनी कक्षा में सूर्य की चारों ओर घूमते हैं। द क्लोजर अ प्लैनेट इज टू द सन द फास्टर इट कंप्लीट्स वन रिवॉल्यूशन। एक प्लैनेट मींस एक ग्रह सूर्य के जितना करीब है उतनी ही तेजी से वह एक चक्कर पूरा करता है। सन सूर्य के सबसे निकट मींस सबसे बाजू का प्लैनेट कौन सा है? फर्स्ट तो मर्क्यूरी। तो आप लोग पिक्चर में देखिए कि मर्क्यूरी को एक पूरा चक्कर लगाने में सन का कितना टाइम लगता है, तो उसको 88 डेज लगते हैं। सेकंड प्लैनेट कौन सा है? वीनस। तो वीनस को कितना टाइम लगता है सन का पूरा एक चक्कर लगाने में? 225 डेज। अर्थ को एक सन का पूरा चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है? तो 365 डेज। तो इसी तरह नेक्स्ट प्लैनेट मार्स है, जिसको सन का एक पूरा चक्कर लगाने में 687 डेज लगते हैं। नेक्स्ट जुपिटर, जुपिटर को सन का एक पूरा चक्कर लगाने में 12 इयर्स मींस 12 साल लग जाते हैं। सिक्स्थ प्लैनेट सैटर्न, जिसको सन का एक पूरा चक्कर लगाने में 30 इयर्स लगते हैं। सेवन्थ प्लैनेट जो है वो है यूरेनस, उसको सन का पूरा एक चक्कर लगाने में 84 इयर्स लगते हैं। एट प्लैनेट जो है नेपच्यून, जिसको सन का एक पूरा चक्कर लगाने में 165 इयर्स लगते हैं। मींस जो प्लैनेट सन से जितना करीब है वो उतनी तेजी से एक चक्कर पूरा करता है। मर्क्यूरी इज द क्लोजेस्ट टू द सन, मर्क्यूरी प्लैनेट जो है वो सन से सबसे नजदीक का प्लैनेट है। मर्क्यूरी अदर प्लैनेट्स मींस दूसरे प्लैनेट्स की तुलना में सबसे तेजी से वो सन का एक चक्कर पूरा कर लेता है, क्योंकि मर्क्यूरी प्लैनेट जो है वो सन से सबसे नजदीक का प्लैनेट है। इसलिए द प्लैनेट्स ऑल्सो रोटेट अबाउट देयर ऑन एक्सिस एट डिफरेंट स्पीड्स। प्लैनेट्स जो है वो सन का तो चक्कर लगाते ही है, लेकिन वो अपनी एक्सिस अपनी दूरी पर भी रोटेट घूमते हैं। एंड सबकी स्पीड घूमने की जो होती है वो क्या होती है? डिफरेंट होती है, अलग अलग होती है।